नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी और आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में मिलता रहे। आज हम जानेंगे टाइम और टेंस के बारे में। तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या अंग्रेजी में टाइम और टेंस दोनों का मतलब एक होता है या अलग-अलग? दूसरा प्रश्न है, अगर दोनों एक या अलग-अलग होते हैं तो इसे कैसे जानेंगे? तीसरा प्रश्न है, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो क्या उसका टाइम भी प्रेजेंट टाइम होगा? तो ये सारे प्रश्न हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें जानना है और जानकर हमें टाइम और टेंस की जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कि हमें जानना होगा कि वास्तव में टाइम और टेंस किसका। तो यहाँ पर टाइम और टेंस कहने का मतलब क्रिया के काल से है। क्रिया के काल का टाइम और टेंस की हम जानकारी प्राप्त करते हैं और क्रिया के काल का हमें टाइम और टेंस जानना होता है। मैं बताना चाहूँगा कि अनेक विद्यार्थी अनेक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं टाइम और टेंस, लेकिन उन्हें स्पष्ट नहीं होता है कि टाइम और टेंस किसका। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि टाइम और टेंस जो हम पढ़ते हैं वो टाइम और टेंस किससे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ बता दूँ, टाइम और टेंस टेंस ऑफ द वर्ब क्रिया के काल से रिलेटेड है, क्योंकि टाइम और टेंस जो होता है क्रिया के काल से संबंधित होता है। क्रिया के ही काल को हम लोग टाइम और टेंस से संबंधित रखते हैं। तो हम यहाँ टाइम और टेंस से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि टाइम और टेंस दोनों कैसे अलग-अलग हैं। तो आइए देखते हैं। आमतौर पर टाइम और टेंस को एक ही समझा जाता है, पर अंग्रेजी व्याकरण में टाइम और टेंस दोनों भिन्न हैं। इसे समझने के लिए हम इन अंग्रेजी वाक्यों का उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं। जैसे मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद है, टुमारो इज संडे, कल रविवार है, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जा रहा हूँ। उपरोक्त वाक्यों का टाइम और टेंस अलग अलग है। इसे जानने के लिए हम इसे स्पष्ट करते हैं। तो आए, मिल्क इज व्हाइट कहने का अर्थ होता है कि दूध सफेद है। मिल्क इज व्हाइट कहने का अर्थ है कि दूध सफेद है या होता है। इससे यह बोध होता है कि दूध सफेद है, पहले भी था और रहेगा। यहाँ पर हमें तीनों टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का बोध होता है, किंतु यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। तो इस वाक्य का टाइम और टेंस दोनों अलग अलग है, क्योंकि मिल्क इज व्हाइट जो है प्रेजेंट टेंस में है, और मिल्क इज व्हाइट जो सेंटेंस है इसका टाइम है फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि जो मिल्क है दूध जो है वो भविष्य में भी उजला रहेगा और वर्तमान में भी उजला है और इसके पहले भी उजला था, सफेद था। तो हमें यहाँ पर मिल्क इज व्हाइट देखने में लगता है कि प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टाइम है, लेकिन इसका टाइम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन टेंस है प्रेजेंट टेंस। उसी तरह दूसरा जो वाक्य था, टुमारो इज संडे का अर्थ है कल रविवार है। यहाँ पर रविवार कल आने वाला है, अतः तो इसे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, किंतु यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ हम देखते हैं टुमारो इज संडे प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसका अर्थ है टुमारो इज संडे, कल रविवार है, रविवार आज नहीं है कल है। तो ये जो टाइम जो बता रहा है ये वाक्य,
ये कल का बता रहा है, जो संडे आने वाला है आज नहीं है, कल आने वाला है। आज संडे नहीं है, कल है, तो आने वाला समय का बोध हो रहा है। इसका मतलब यह फ्यूचर टाइम इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो इस तरह इस वाक्य का टाइम और टेंस दोनों अलग अलग है। तीसरा वाक्य है आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। इसका अर्थ है मैं कल पटना जा रहा हूँ। यहाँ पर अंग्रेजी का यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, किंतु फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। कैसे करा रहा है? आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पटना जाने का काम आज नहीं कल होगा, इसलिए पटना मैं कल जा रहा हूँ ये क्रिया जो होगी कल होगी। तो इस क्रिया का जो टाइम है वो फ्यूचर में है, और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इसका टेंस है प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमें देखना है टाइम और टेंस। तो टाइम है फ्यूचर का बोध करा रहा है, यहाँ पे टाइम मतलब आज नहीं कल जाना है पटना। तो इसीलिए इस सेंटेंस का टाइम जो है फ्यूचर है, और इस सेंटेंस का टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है। तो आई एम गोइंग टू पटना टुमारो या वाक्य अंग्रेजी के प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। इस तरह हम देखे हैं कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग होते हैं। जिस वाक्य का टाइम अगर प्रेजेंट है उसका टेंस प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यह मायने नहीं रखता कि अगर किसी वाक्य का टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उसका टाइम भी प्रेजेंट होगा। तो वाक्य में प्रयोग जो वर्ब है अगर प्रेजेंट टेंस में है तो टाइम प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, और फ्यूचर टेंस भी हो सकता है, और पास्ट टेंस भी हो सकता है। इसलिए हमें टाइम और टेंस को ध्यान से समझना चाहिए। तो ये थे टाइम और टेंस में अंतर। इसी तरह की आपको और इससे संबंधित जो डाउट्स हैं उसे जानने के लिए आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन दबाएं, ताकि भविष्य में आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।